हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लीड कोड में चैलेंज का डे 8 और आज की प्रॉब्लम है रिलेटिव रैंक्स। सो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसमें स्कोर्स दिए हुए हैं और हर स्कोर एक एथलीट का स्कोर है, ठीक है। स्कोर सारे गारंटीड टू बी यूनिक है एंड हमें क्या करना है, हमें एथलीट्स को प्लेस करना है बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स, ठीक है। वेयर द फर्स्ट प्लेस पे जो एथलीट है उसका गोल्ड मेडल होगा, सेकेंड पे सिल्वर, थर्ड पे ब्रॉन्ज और फोर्थ फिफ्थ पे एनथ। लाइक अगर फोर्थ आया तो उसका फोर्थ होगा। हमें ये एरे रिटर्न करना है जो ये स्कोर्स के बेसिस पे हर एथलीट का रैंक बता दे, ठीक है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो एक बार हम एक टेस्ट केस से समझते हैं। तो सो लेट्स से कि ये हमारा टेस्ट केस है जिसमें हमें इनपुट में ये एरे दिया होगा, ठीक है। इसमें इनपुट में क्या है, ये जो है ये स्कोर्स हैं। तो ये स्कोर है, ये स्कोर है, ये स्कोर है, ये फर्स्ट, ये जीरो एथलीट का स्कोर है, ये फर्स्ट एथलीट का स्कोर है, ऐसा है, ठीक है। तो अब हमारा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट देखो। तो हमारे आउटपुट में सेम लेंथ का आउटपुट होगा, ठीक है। ये पाँच है लेंथ, तो पाँच और इसका इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो हमें बेसिकली क्या बताना है, देखो यहाँ पे टेंथ है, ये सबसे बड़ा नंबर है इसमें, यानी कि ये फर्स्ट आया है, इसका स्कोर सबसे ज़्यादा तो ये फर्स्ट आया है। तो फर्स्ट के लिए क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट प्लेस के लिए गोल्ड मेडल। तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना, गोल्ड मेडल, ठीक है। यह हमारा यहाँ पे गोल्ड मेडल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये जो थ्री है, टेन के बाद क्या है, नाइन। अब ये जो नाइन है, ठीक है, ये सेकेंड आया है, मतलब इसका सेकेंड लार्जेस्ट स्कोर है, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, सिल्वर मेडल, ठीक है। नाइन के बाद एट है तो इसका होगा ब्रॉन्ज, ठीक है। तो क्या था, फर्स्ट के लिए सेकंड, थर्ड और जो उसके बाद के उनका वो नंबर ही होगा। जैसे फोर्थ आया तो फोर्थ, तो यहाँ पे फोर जो है वो फोर्थ आया, तो यहाँ पे फोर्थ, और थ्री जो है वो फिफ्थ आया, जो लास्ट है तो फिफ्थ। तो हमारा आउटपुट कुछ ये होगा। तो अगर तुम आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में क्या है, गोल्ड मेडल 5, ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर 4, गोल्ड 5, ब्रॉन्ज सिल्वर 4। तो यही आउटपुट है हमारा। आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। तो अब एक जल्दी से इसकी अप्रोच देखते हैं, थ्री अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। जो पहली दो अप्रोचेस हैं वो ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है उनमें, तो कोई भी यूज़ कर सकते हो। जो लास्ट वाली अप्रोच होगी वो ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है। तो देखते हैं, अभी देखो सिंपल सी बात है यार, मेरे को क्या करना है, मेरे को स्कोर्स एक ऑर्डर में चाहिए, ताकि लाइक लेट से मेरा, अगर ये स्कोर मेरा इसकी जगह मेरे पास कुछ ऐसा एरे दिया होता, 10, 9, 8, 4, 3, अगर ये मेरे पास दिया होता तो सिंपल ये वाला फर्स्ट पोजीशन पे तो इसको मैं गोल्ड कर देती, इसको सिल्वर, इसको ब्रॉन्ज, और फिर ब्रॉन्ज के बाद जो भी कुछ आएगा उसका जो उसका नंबर है, तो मतलब नंबर एज इन लेट्स से ये फर्स्ट प्लेस पे आएगी, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फिर ये फोर्थ पे आया तो इसका फोर्थ, और ये फिफ्थ पे आया तो इसका क्या होगा, फिफ्थ, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो क्या कर सकते हैं, हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगी तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए इसको आंसर एरे निकालना, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये वाली अप्रोच समझ आई होगी। एक बार जल्दी से दोबारा देखते हैं क्या कह रही हूँ। तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे, बट इन विच ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब तुम असेंडिंग भी कर सकते हो, फिर वो तुम्हें पीछे से शुरू करना पड़ेगा, बट मैं इसको डिसेंडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो 10, 9, 8, 4 और 3, तो ये मैंने कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। फिर अब मैं क्या करूँगी, एक मेरा आंसर एरे होगा, ठीक है। ये मेरा आंसर एरे है 0, 1, 2, 3, 4, हाँ, ठीक है। तो ये वाला मेरा इनपुट एरे बन गया कुछ ऐसा। तो अब ये वाला जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसका मैंने गोल्ड मेडल लिख दिया, ये वाला सेकंड पे तो सिल्वर मेडल लिख दिया, ये वाला थर्ड पे है तो ब्रॉन्ज मेडल, ये वाला थर्ड के बाद जो भी आएगा ये फोर्थ पोजीशन पे तो फोर्थ, ये फिफ्थ पोजीशन पे तो फिफ्थ। तो ये मेरा आउटपुट एरे नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तुम देखो हमने सॉर्ट तो कर लिया पर हमारा पोजीशंस चेंज हो गई, राइट, हमारी पोजीशंस चेंज हो गई। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम अपनी पोजीशंस ना चेंज करें, है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। देखो हमने क्या सोचा था कि हम एरे को सॉर्ट कर देंगे, पर हम क्या करते हैं ना, हम एरे को सॉर्ट ही करेंगे और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करेंगे, पर
हम उसके साथ एक और चीज़ करेंगे, तो देखते क्या, मतलब मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि हम कैसे अप्रोच करेंगे किसी प्रॉब्लम को, ठीक है? तो थोड़ी लंबी जाएगी वीडियो, बट ठीक है, नहीं ठीक है। तो हमने क्या सोचा था, हम इसको सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, पर हम ना एक क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे जिसमें क्या होगा हमारा टेल और उसका इंडेक्स, ठीक है, एक पेयर होगा, फिर उसके बाद थ्री और उसका इंडेक्स, फिर क्या होगा एट और उसका इंडेक्स। हमें इंडेक्स चाहिए, क्यों इंडेक्स चाहिए, क्योंकि हमें पता रखना है कि अच्छा ठीक है, अगर ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो मेरे को टू इंडेक्स पे जाकर आंसर, जो भी आंसर एरर होगा ना उसके टू इंडेक्स पे जाकर मुझे सिल्वर मेडल या वो लिखना है, ठीक है? तुम समझोगे हम क्यों इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है? तो इसको कर दिया ऐसा, और फिर उसके बाद 9.3 और फिर लास्ट में 4.4, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको सॉर्ट कर दूँगी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब इसको सॉर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 10 ही आएगा क्योंकि वो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा 8, अरे यार ये राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, फिर उसके बाद होगा 4 और फिर उसके बाद आएगा 3.1, ठीक है? तो अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत एक बार ये चीज़ कर ली तो अब तुम्हारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर एरे बनाओ सेम साइज़ का, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, बस अब तो तुम्हें सीधा बस आइट्रेट करना है, इस पे जाओ जीरो इंडेक्स पे है गोल्ड मेडल डाल दो, फिर इस पे जाओ, अब ये क्या है सेकेंड पोजीशन पे है ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बेस्ड ऑन द स्कोर। तो अब ये सेकेंड पोजीशन पे आया है पर, तो सिल्वर मेडल होगा, पर ये कौन से इंडेक्स पे पड़े, 3 इंडेक्स पे, तो जो हमारा 9 है बेसिकली, जो हमारा 9 है वो हमारा 3 इंडेक्स पे पड़ा, तो 3 इंडेक्स पे जाएंगे और यहाँ पर सिल्वर मेडल डालेंगे, ठीक है? अब तुम्हें समझ आया इंडेक्स क्यों रख रहे हैं? फिर अब 8 पे जाएंगे, 8 के हमारा थर्ड पोजीशन आई है तो यानी ब्रॉन्ज, तो 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 8, तो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल डालेंगे। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, देखेंगे कि अच्छा अब ये फोर्थ पोजीशन पे और ये 4 इंडेक्स पे है तो यहाँ पे फोर्थ, फिर उसके बाद यहाँ पे ये फिफ्थ आया है और ये फर्स्ट इंडेक्स पे है तो यहाँ पे फिफ्थ, तो ये हमारा आउटपुट एरे होगा। तो देखो गोल्ड मेडल 5, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज है, सिल्वर मेडल 4, सिल्वर मेडल 4, ठीक है? तो ये एक अप्रोच है, तो इसका कोड तुम खुद लिख लेना, मैं सेकेंड और थर्ड अप्रोच का कोड भी दिखाऊंगी, ठीक है? ओके, अब हमारी है अप्रोच 2। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यार सॉर्ट कर रहे हैं तो क्लियर ही है, एन लॉग एन होगी क्योंकि हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ होगी एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम एरे बना रहे हैं एक्स्ट्रा तो ओ ऑफ एन, ठीक है? ओके, अब अप्रोच 2 देखते हैं। तो मैं एक बार जल्दी से ये एरे देख लेती हूँ, लिख लेती हूँ, 10, 3, 8, 9, 4, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा हमारा एरे दिया हुआ है, 10, 3, 8, 9, 4, ठीक है? तो अब देखो हमें, हमने पहले क्या किया था, हमने सॉर्ट कर लिया था इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तुम ये सोचो कि कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें तुम्हें सॉर्टेड में चीज़ें मिल जाएं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग में, कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें तुम वैल्यूज डालो और तुम्हें जब तुम निकालो उसमें से तो तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब वो सॉर्टेड ऑर्डर असेंडिंग में हो सकता है डिसेंडिंग में, तो आई होप तुमने गेस किया होगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, एक मैक्स हीप। क्यों मैक्स हीप, क्योंकि हमें हर बार क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फर्स्ट, है ना, फिर उसके बाद चाहिए, तो सेम ही अप्रोच लगाएंगे, सेम ही अप्रोच जो ऊपर लगाइए, बस इसमें क्या करेंगे, उसमें हम एक उसमें अगर तुम देखोगे उसमें हम एक एरे बनाते थे और उसमें हम वो पेयर स्टोर कराते थे, है ना, अब उस एरे की जगह हमारा हीप होगा। तो ये ले लो हमारा मैक्स हीप है, ठीक है? ये हमारा क्या है, मैक्स हीप, मैक्स हीप, ठीक है? तो मैक्स हीप है हमारा, अब इसमें क्या करेंगे हम देखो, हाँ तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो जब भी मैं मैक्स हीप में डालूंगी तो ये कुछ इस तरह से अपने आप को रेंज कर लेगा, तो 10 और उसका इंडेक्स 0, फिर 9 और उसका इंडेक्स क्या 3,
फिर 8 और उसका इंडेक्स है 2, फिर 4 उसका इंडेक्स है 4 और फिर 3 उसका इंडेक्स है 1। ठीक है, अब वही सेम चीज करेंगे जो ऊपर कर रहे थे, एक आंसर एरे बनाएंगे ऑफ सेम साइज 0, 1, 2, 3, 4 और बारी बारी निकालेंगे इसमें से, ये जो हीप है इसमें से निकालेंगे। तो सबसे पहले और एक मैं काउंट वेरिएबल रख लूंगी इनिशियली 0, तो जब मैंने पहले एलिमेंट निकाला तो मैंने काउंट को 1 कर दिया। ठीक है, तो मैंने देखा कि अच्छा काउंट अगर मेरा 1 है, अगर मेरा काउंट 1 है तो मैं गोल्ड मेडल लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी वो मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर वाला एलिमेंट है। ठीक है, अभी पहला निकाला और सबसे पहला वाला जो होगा सबसे बड़ा स्कोर वाला ही होगा क्योंकि ये हीप है। तो ये वाला एलिमेंट निकाल दिया 10 0, तो ये हमारा आ गया और इसका इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल डाल दिया। ठीक है, चलो आगे करते। अब फिर उसके बाद ये निकल गया यहाँ से, ठीक है ये वाला निकल गया। फिर अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो ये पॉप किया, काउंट को बढ़ा देंगे 2 कर देंगे और ये 9.3 यहाँ आ जाएगा। तो मेरा अगर काउंट 2 है, अगर मेरा काउंट जो है वो 2 है तो वो क्या होगा, सिल्वर मेडल। तो मैं देखूंगी अच्छा काउंट 2 है सिल्वर मेडल होगा, पर कौन से इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, तो 3 इंडेक्स पे सिल्वर मेडल। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। अब उसके बाद फिर से इसको पॉप करेंगे 8.2, काउंट को बढ़ा देंगे, थर्ड इंडेक्स 3 पोजीशन पे अगर काउंट 3 है तो उसका मतलब वो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मेडल। और कौन से इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये हम निकाल देंगे यहाँ से। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर काउंट, हाँ नेक्स्ट इसको पॉप करेंगे 4.4, इसको बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पर ये जो 4 है, अगर हमारा काउंट, अगर हमारा इसके अलावा कोई भी काउंट आता है, इसके अलावा कोई भी काउंट आता है ना, ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे हम, उस पर हम ये जो इंडेक्स आएगा उस पर वो काउंट स्टोर करा देंगे, तो काउंट ही स्टोर करा दो बस। तो 4 इंडेक्स पे 4। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट एलिमेंट होगा हमारा, ये वाला बाहर निकलेगा, मैप्स की खाली हो जाएगा, तो हमारी ब्रेकिंग कंडीशन होगी। ठीक है, लूप के एग्जिट कंडीशन। और यहाँ पर काउंट को बढ़ा देंगे 5 काउंट है और यहाँ पर हमारा इंडेक्स है 1, तो 1 पे क्या 5। तो देखो ये हमारा आउटपुट एरे बन गया। तो आई होप तुम्हें ये अप्रोच समझ आ गई होगी, ये आउटपुट एरे हमारा। एक बार इसका कोड देखते हैं। ठीक है, इसका कोड देखते हैं। हाँ, तो तुम्हें मैक्स ही लेना होगा एक, तो अगर तुम C++ में या जावा में कोड करते हो तो उसकी लाइब्रेरी देख लेना मैक्स की। मैंने पाइथन में कोड लिखा है। तो देखो क्या करते हैं हम, पाइथन में एक फंक्शन, एक लाइब्रेरी होती है हीप क्यूब, उसको यूज़ करते हैं मैक्स हीप बनाने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक मैक्स हीप लिया है, मैंने एक खाली लिस्ट ली, उसे मैंने मैक्स हीप बना दिया और फिर उसके अंदर मैंने अपनी सारी वैल्यूज़ डाल दी। और वैल्यूज़ कैसे डाली है मैंने, 10 जो एलिमेंट है और फिर साथ में उसका इंडेक्स। और यहाँ पर हम -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक मैक्स हीप चाहिए बनाना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो जो हीप बनता है लाइब्रेरी से वो मिन हीप बनता है, पर मुझे मैक्स हीप चाहिए तो मुझे -1 करना पड़ा। तो मैं, अगर ये चीज़ समझनी है जो पाइथन में कोड करते हैं तो कमेंट्स में बताना, ये थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम काउंट लेंगे, हम तब तक जब तक हीप में कुछ है तब तक चलाएंगे, पॉप कराएंगे, काउंट को बढ़ाएंगे और फिर इस हिसाब से हम काउंट को स्टोर करा देंगे, हमारे आंसर है बेस्ड ऑन द इंडेक्स। ठीक है, सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा, एक बार सबमिट करते हैं। तो ये काम कर रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन हीप यूज़ कर रहे हैं तो एन लॉग एन है और स्पेस भी ओ ऑफ एन होगी क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच, तो कि अप्रोच 3। तो मैं जल्दी से एरे लिख लेती हूँ, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ओके, तो हम देखते हैं, ये टेस्ट केस लेंगे 10 3 8 9 4 10 3 8 9 4। इंडेक्सिंग कर लेती हूँ 0 1 2 3 4। ठीक है, ओके,
सो इसमें देखो गाइज, अब हम क्या करेंगे ना, देखो पहले हम क्या कर रहे थे, हम सॉर्ट करते थे या फिर हम मैक्स हीप में डाल रहे थे, तो उससे क्या होता था, हमारा एन लॉग एन में चल जाता था, हमें इसे ओ ऑफ एन में करना है, ठीक है। तो हमें एक सिंगल कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लेना है जिसमें जो ट्रेवर्सल हो या कुछ हो वो ओ ऑफ एन हो। तो ऐसा तो क्या होता है हमारा एरे, ठीक है, हैश मैप भी होता है बट यहाँ पे हम एरे ले सकते हैं, हैश मैप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, मैं हम क्या करेंगे, सुनो, तो मेरा मैक्सिमम स्कोर क्या है, 10। मैं 10+1 साइज़ का एक एरे बना लूँगी, यानी 11 साइज़ का, ठीक है। तो मैंने एक एरे बना लिया ऑफ 11 साइज, 0, 1, 2, 3, अब यार बहुत बड़ा लिखिए, 4, 5, 6, 7, 8, ओके 9 और 10, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ ट्रेवर्स करूँगी और मैं 10 इंडेक्स पे, ये जो 10 इंडेक्स है उस पर स्टोर करा दूँगी उसका एलिमेंट का इंडेक्स। तो 10 10, ये जो मेरा 10 है स्कोर, उसको मैं एज ए इंडेक्स ट्रीट करूँगी और उस पे मैं उसका इंडेक्स स्टोर करा दूँगी, यहाँ 0, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इस ये पूरे एरे में बाय डिफ़ॉल्ट -1 होगा, ठीक है। तो अभी वो लिख नहीं रही हूँ, तुम समझ लेना, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे -1 है सारा, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे, 3 पे मैं इसका -1 स्टोर करा दूँगी, फिर 8 पे जाऊँगी और 2 इंडेक्स स्टोर करा दूँगी, फिर 9 पे जाऊँगी और 3 इंडेक्स स्टोर करा दूँगी, और सॉरी मैंने यहाँ 0 नहीं लिखा है, ये इसका 0 आएगा, और लास्टली मैं 4 पे जाऊँगी और मैं उसका इंडेक्स स्टोर करा दूँगी, ठीक है। और बाकी जगह यहाँ पे -1 है, -1, -1, -1, -1, -1, ठीक है, ओके। सो अब ये क्यों किया मैंने, ये क्यों करा है, क्योंकि देखो मेरे को बेसिकली ये स्टोर कराना था ना, कि मेरे को सॉर्टिंग में क्यों करती थी, ताकि मेरे जो स्कोर्स हैं वो एक ऑर्डर में आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। मैं मैक्स हीप क्यों यूज़ कर रही थी, ताकि मेरे जो स्कोर्स हैं वो मुझे ऑर्डर में मिल जाए। अगर अब मैंने ये जो इंडेक्सेस हैं इनको ही स्कोर बना दिया है, तो जो मेरा मैक्सिमम स्कोर होगा वो लास्ट होगा, है ना, मतलब राइट। और जहाँ जहाँ -1 नहीं है, जहाँ पे वैल्यूज है एक्चुअली में, वो देखो अब ये तुम्हारा एक ऑर्डर में स्टोर हो गया, 10 फिर 9 फिर 8, 7, 6, 5 पे -1 है तो वहाँ पे तो कोई एलिमेंट था ही नहीं, ठीक है, स्कोर था ही नहीं मतलब वो, फिर उसके बाद 4, 3, बस। तो ये तुम देख रहे हो तुम्हारा ये एक ऑर्डर में स्टोर हो गया है ना। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे ना, हम आंसर एरे बना लेती हूँ, तो आंसर एरे बनाते हैं सेम साइज का, 0, 1, 2, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ओके। तो मैं इसमें पीछे से शुरू करूँगी और मैं काउंट रख लूँगी फिर से, जैसे बैक सीट में काउंट रखते थे इनिशियली 0। मैं देखूँगी कि क्या ये -1 है, क्या इज इट -1, इफ इट्स -1, इफ इट्स नॉट, ठीक है, अगर ये -1 नहीं है, इफ नॉट -1 तो मैं कुछ काम करूँगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि अच्छा काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर अगर हाँ देखो अगर वो नॉट -1 है तो काउंट ++ कर देंगे, तो मेरा काउंट 1 हो गया। मैं देखूँगी अच्छा, तो जब काउंट 1 है, अगर काउंट 1 है तो हम क्या स्टोर करेंगे, गोल्ड मेडल, पर वो कहाँ स्टोर करेंगे, देखो ये जो 10 आया इसका क्या वैल्यू, 0, यानी इसके 0 इंडेक्स पे हम गोल्ड मेडल लिख देंगे। तो बेसिकली जो मेरा आंसर एरे होगा, ये मेरा आंसर एरे है, आंसर एरे के अगर यहाँ पे इफ यहाँ पे अगर काउंट 0 आया, काउंट 1 आया, तो आंसर एरे के इसका लेट्स से नाम ए है, तो आंसर एरे के ए ऑफ आई पे, ठीक है, ए आई, ये आई है ठीक है 10, तो ए ऑफ आई पे क्या स्टोर करा दो, गोल्ड मेडल, ठीक है।
तो यहाँ पे गोल्ड मेडल आ गया। अब आगे जाएंगे, मैं देखूंगी अच्छा ये माइनस वन तो नहीं है तो काउंट को बढ़ा देंगे, और जब काउंट टू होगा तो स्टोर होगा सिल्वर मेडल। कौन से इंडेक्स पे? थ्री इंडेक्स पे। तो यहाँ सिल्वर मेडल थ्री इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, देखेंगे ओके हमारा एट है ठीक है, और काउंट को बढ़ा देंगे थ्री कर देंगे। तो जब थ्री काउंट है ब्रॉन्ज मेडल पर, कौन से इंडेक्स पे? टू इंडेक्स पे। तो यहाँ पे टू इंडेक्स पे ब्रॉन्ज मेडल ठीक है। यहाँ पे माइनस वन कुछ नहीं करेंगे, माइनस वन कुछ नहीं करेंगे, माइनस वन कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पे फोर है, काउंट को बढ़ा देंगे फोर कर देंगे, और फोर इंडेक्स पे फोर स्टोर करा देंगे क्योंकि फोर्थ पोजीशन काउंट फोर है ठीक है। और फिर उसके बाद आगे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, माइनस वन नहीं है, काउंट को बढ़ा देंगे फाइव, और यहाँ पर फाइव स्टोर करा देंगे, और फिर आगे तो माइनस वन है, माइनस वन माइनस वन। सो ये हमारा आउटपुट एरे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम एरे यूज़ कर रहे हैं, हम ना आप तो यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं ना हम मैक्सी यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन होगी। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, मतलब यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली में जो मैक्सिमम स्कोर होगा ना, लाइक जो भी मैक्सिमम स्कोर होगा प्लस वन होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है। तो ओके तो इसका कोड देखते हैं, तो इसके कोड में देखो हमने मैक्स स्कोर निकाल लिया और जो एक एरे बना लिया वो मैक्स स्कोर प्लस वन साइज का इनिशियली माइनस वन, ये वाला जो एरे है वो बना लिया इनिशियली माइनस वन वैल्यू। फिर उसके बाद मैं स्कोर में जाती हूँ और उस ए ऑफ उसमें स्टोर करा देती हूँ आई, यानी कि ये वाली चीज कर दी ठीक है। उसके बाद इसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, आंसर एरे बनाते हैं और वही सेम बैक से ट्रेवर्स करते हैं और देखते हैं अगर माइनस वन ये काउंट को बढ़ाओ और स्टोर करा दो और लास्ट में आंसर रिटर्न करा दो। सो आई होप तुम्हें समझ आ गई होगी प्रॉब्लम, काफ़ी इजी है और मतलब लर्निंग अच्छी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।